الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سار على هدى قال الله تبارك وتعالى واما من خاف مقام ربه ونها النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى देखिए इंसान के दिल पर शैतान की तरफ से या नफ्स की तरफ से वस आते रहते हैं बुरे ख्याल आते रहते हैं और इन बुरे ख्याल पर काबू पाना ये इंसान के लिए दुनिया में भी और आखिरत में निजात का ज़रिया है शहवतों पर गालिब आना देखिए शहवात इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है ये रखा है अल्लाह ताला ने शहवतें इंसान के अंदर रखी हैं क्योंकि वो हलाल तरीके से पूरा करें लेकिन जब शहवत इंसान पर गालिब आ जाती है फिर वो हराम की तरफ जाता है और शहवात पर गालिब आना ये मुतालबा है कि हम अपनी शहवतों पर गालिब आ जाएँ कंट्रोल करें हमारी शहवात हम पर गालिब ना आए और जब इंसान की शहवत इंसान पर गालिब आ जाती है तो वो हिलाकत की तरफ़ जाता है वो हलाल का रास्ता छोड़ के हराम की तरफ जाता है तो हलाल दायरे में रह करके शहवतों को पूरी करना इसमें कोई मसला नहीं यह है यह इजाजत है अल्लाह ने रखा है तो शहवतों पर गालीब आने के बहुत सारे रास्ते हैं कुरान और सुन्नत में हमको रहनुमाई बताई गई कि एक इंसान कैसे अपनी शहवतों पर गालीब आए क्योंकि शहवतें इंसान को हिलात की तरफ ले जाती हैं अगर वो कंट्रोल नहीं किया तो तो बहुत सारे रास्ते हैं कि एक इंसान कैसे उस पर गालीब आए और ये बहुत बड़ा जो है फितना है शहवात का जिसमें बहुत सारे नौजवान इसमें बर्बाद हो जाते हैं तो एक उसी में से एक चीज है कि अपनी शहावतों पर गालिब आने का एक तरीका यह है कि जो बुरे like, ख्याल आते हैं ना उन बुरे ख्याल से अपने आप को बचाना हिफाजत करना अपने ख्याल को साफ करना देखिए ख्याल हर इंसान के दिल पर आते हैं हर इंसान के दिल पर ख्याल आते हैं ख्याल अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं दो भी दोनों तरह के ख्याल इंसान के दिल पर आते हैं अब इंसान के ऊपर यह है जैसे ही ख्याल उसके दिल पर बुरे आए फौरन उसको रद्द कर दे उसको हटा दे उसको टिकने ना दे अगर कोई शख्स अपने दिल पर आने वाले बुरे ख्याल को नहीं रोका आने दिया आने दिया आने दिया तो धीरे धीरे ये बुरे ख्याल उसकी फिक्र का हिस्सा बन जाते हैं फिर वो सोचने भी लगता वो सारी चीजें बार बार वही सोचता है क्यों उसने रद्द नहीं किया निकाला नहीं बुरे ख्याल आए उसको टिकने दिया उसको रहने दिया उसको जमने दिया जब वो बुरे ख्याल रह जाते हैं उसके दिल में फिर वो धीरे धीरे इरादा भी करने लगता है फिर इरादा उसके अंदर हिम्मत पैदा करते हैं फिर वो हिम्मत उसको कदम आगे बढ़ने के लिए आगे ले जाते हैं उसको वो इकदाम भी कर देता आगे बढ़ जाता उस बुरी चीज को करने के लिए तो असल शुरुआत कहां से होती है ख्याल से ख्याल आए उसने फिर धीरे धीरे वो इरादा भी करने लगा इरादा उसके अंदर हिम्मत पैदा किया हिम्मत उसके अंदर इकदाम आया और वो आगे बढ़ गया और फिर धीरे धीरे उसके जिंदगी की आदत हो जाती है तो फिर वो निकल नहीं पाता कितने नौजवान अपनी बुरी हरकतों से निकल नहीं पाते आज कहते भी हैं नहीं छूट रहा है नहीं छूट रहा है चाहे वो कोई भी ऐसी चीज जिसका वो आदि बन चुका है जो उसकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं क्यों ऐसा क्योंकि वो शुरुआत में ही अपने दिल में उसको जगह दिया धीरे 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 वो आदत बन गया अब नहीं निकल पाता है। चाहे वो कितने सारे लोग भाई गेम छूटता ही नहीं है नहीं छूट रहा है आदत बन चुका है क्यों वो इरादे से शुरुआत होता है वो ख्यालात आए ख्याल धीरे 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 वो टिकते रहे और वो हिस्सा बन गया उसकी जिंदगी का अगर हम चाहते हैं अपनी शहावतों पर गालिब आए तो जैसे ही हमारे दिल में बुरे ख्याल आए उसी वक्त रद्द रिजेक्ट जब एक आदमी बुरे ख्याल को रद्द करता है तो खैर जो है ना कवि हो जाता है देखिए दो तरह एक शर एक खैर शर और खैर दो ख्याल इंसान के दिल पर आते हैं अगर शर को रिजेक्ट किया तो खैर कवि हो जाएगा मजबूत हो जाएगा आदमी के अंदर और अगर उसने शर को रिजेक्ट नहीं किया उस बुरे ख्याल को हटाया नहीं तो फिर वो शर जो है कवि हो जाएगा और खैर कमजोर हो जाएगा यही हमारे जिंदगी में चलता रहता है कभी आप देखें इंसान का जज्बा इतना हाई हो जाता है दीन का दीन के जज्बात इतने कवि हो जाते हैं क्यों आया कवि वो दीनी जज्बा कवि क्यों हुआ क्योंकि तो शर कमजोर हुआ जब शर कमजोर होता है तो खैर खैर कवि हो जाता है फिर वो धीरे धीरे उसको लज्जत भी मिलने लगती है नेकियों में इबादत में क्यों खैर इसका कवि हो रहा है अंदर से शर कमजोर हो रहा है जब शर कवि होता है तो खैर कमजोर हो जाता है हमें क्या करना है शर को टिकने नहीं देना है और खैर को निकलने नहीं देना है इसको याद रखे जैसे ही शर ख्याल आया ना रिजेक्ट छोड़ दो उसको और उसकी जगह पर खैर को जगह दें कुरान की तिलावत नमाज जिक्र अस्कार अच्छे बयानार सुनना हमेशा खैर को जगह देते जाना और शर को निकालते जाना यह हमारी कामयाबी इसमें और अपनी शहबतों पर गालिब आने का रास्ता इसलिए अल्लाह ने कुरान में दो बात कही वह अम्मा खाफ मकाम अरब भी जो आदमी डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने से आज दुनिया में किसी ऑफिसर के सामने खड़ा होना कैसे आदमी घबराता बड़ा आदमी आलमीन पूरी कायनात का बादशाह है जहां सारे बादशाह नंगे खड़े होंगे फिर और भी नंगा खड़ा होगा और रब्बुल आलमीन के वन खाफाम जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया व हवा अपने नफ्स को अपने दिल को अपने नफ्स को हवा से ख्वाहिशात से रोका रोका उसको तो क्या अल्लाह क्या फरमाता है जन्नत जन्नत इसका ठिकाना है जन्नत पाने का रास्ता है शाहवतों पर कंट्रोल गालिब आना और उसका एक रास्ता है कि जैसे ही ख्याल बुरे आए उसको रिजेक्ट करो जगह मत बनने दो उसको अपने दिल में टिकने मत दो अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आने की तोहफ़ी कदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दिल में खैर को अपनी मौत तक जगह देने की तोफ़ी अदा फरमाए ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला